नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण बीएड थर्ड सेमेस्टर, और बीएड थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान शिक्षण में हम लोग यूनिट थर्ड में धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है पाठ योजना की विभिन्न प्रणालियाँ। वो हम लोग का जो एक टॉपिक जो था वो क्या था, पाठ योजना की विभिन्न प्रणालियाँ। तो पाठ योजना की जो विभिन्न जो प्रणालियाँ जो थी, उस पाठ योजना की विभिन्न प्रणालियों में हम लोग चार प्रकार की प्रणालियों को देखे थे। आप पहले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सीक्वेंस से आपको हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो उसमें पाठ योजना की विभिन्न प्रणालियाँ में सबसे पहला आपको हम जो पढ़ाए थे वो ब्लूम की प्रणाली पढ़ाए थे। उसके बाद आपको जब हम पढ़ाए थे तो वो RCM पढ़ाए थे। RCM के बाद आज की जो प्रणाली हम आपको बताएँ तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। तो आज हम लोग देखेंगे कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली क्या होती है, इसको देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जब आएंगे तो देखेंगे NCERT, तो NCERT के बारे में अभी आपको आगे वीडियो मिलेगा। लेकिन इसके पहले आप लोग को दो प्रणालियां हम पढ़ा चुके हैं, जो कि ब्लूम की शिक्षण प्रणाली जो है, और दूसरा जो है आपका ब्लूम के बाद RCM प्रणाली। और आज का जो वीडियो हम लोग जो आज देखेंगे, जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे, वो हम लोग का है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। इसको आप लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़े भी होंगे, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, जो कि आपका मनोविज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा। तो उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को पहले तो शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हो ही, आप वीडियो को देख रहे हैं या आप चैनल को जान गए हैं चैनल, लेकिन आगे जो लोग और लोग भी हों वो लोग भी चैनल के रूबरू हो सकें, वो लोग भी चैनल को जान सकें कि नहीं एन मिश्रा क्लासेस पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जो भी है सबकी क्लासेस आपको मिलती हैं, चलती हैं, और हर एक सब्जेक्ट की चलती है। ऐसा नहीं कि एक दो सब्जेक्ट की ही चलती है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो आइए देखते हैं कि हर्बर्ट की जो पंचपदी जो प्रणाली है वो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली क्या है। तो हम अगर कहें कि हर्बर्ट प्रणाली को परंपरागत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा कि जो हर्बर्ट की जो पंचपदी जो प्रणाली है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो परंपरागत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापक शिक्षण के अधिकांश संस्थाओं में, जब अध्यापक जब शिक्षण कार्य जब करता है तो उसके अधिकांश संस्थाओं में इसी प्रणाली का महत्व है। कहने का मतलब कि इसी हर्बर्ट की जो पंचपदी जो प्रणाली है, इसी प्रणाली को वो क्या करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, इसी प्रणाली के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ क्या है कि अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में या शिक्षण के अधिकांश संस्थाओं में इसी प्रणाली का महत्व है या इसी प्रणाली को उपयोग में लाते हैं। यह जो प्रणाली है हर्बर्ट की पंचपदी जो प्रणाली है, यह पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। जैसे कि कहने का मतलब कि पाठ्य वस्तु यह केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होती है। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर, जो पाठ्य वस्तु जैसे है, जैसे कि जो हमारा जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पे वो पाठ्य पुस्तक जो हमारी होगी उस पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुति जो करण हमारा है उस प्रस्तुतिकरण पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बल देंगे। जैसे कि अगर कोई भी मेरा टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, इस प्रस्तुतिकरण उसका हम कैसे अपना बनाएंगे, तो उस चीज़ों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बल देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम ही को आज पढ़ाना है कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को हम किस तरह से प्रस्तुत आपके सामने करें, किस तरह से आपको हम मतलब फिगर के माध्यम से या चार्ट बोर्ड के माध्यम से या व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कुछ चीजें हम लिख दिए हैं और आपको कुछ चीजें अपने वाणी से आप लोग को कुछ चीजें बता रहे हैं, तो आप इसको सुन करके कुछ नोट्स बना लीजिएगा और कुछ चीज़ें इसको आप याद कर लीजिएगा और कुछ चीज़ें आपको हम बोर्ड पे लिख करके आपको नोट्स बनवा करके लिख करके दिए हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो वही चीज़ आपका है कि हर्बर्ट की जो है वो पाठ्य वस्तु पर केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक जो है उस पर केंद्रित है, इस पर बल दिया जाता है प्रस्तुतिकरण पर, किस तरह से एक टीचर प्रस्तुत उसको करे। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी जो प्रणाली है वो कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो हर्बर्ट की जो प्रणालियाँ हैं वो पाँच प्रकार की प्रणालियाँ हैं। तो वो पाँच प्रकार की प्रणालियाँ कौन कौन, तो आपको देखिए यहां पे लिखा गया है कि पहला योजना बनाना, दूसरा प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा स्पष्टीकरण करना, चौथा सामान्यीकरण करना और पांचवा प्रयोग करना। तो एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि हर्बर्ट की प्रणाली को हम क्या कहते हैं, तो परंपरागत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अध्यापक इसमें शिक्षण कार्य को अधिकांश संस्थाओं में इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जो भी अध्यापक होते हैं, जो भी शिक्षण कार्य करते हैं, वो अपने शिक्षण कार्य में हर्बर्ट प्रणाली का ही क्या करते हैं, अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। यही हर्बर्ट प्रणाली का ही सबसे ज्यादा महत्व है।
यह जो प्रणाली है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित है। एकदम एक ही पॉइंट को याद करते हुए चलिए, यह जो प्रणाली जो हर्बर्ट की पंचपदी जो प्रणाली है यह पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित है और इसमें पाठ्य वस्तु को ही या पाठ्य पुस्तक को ही अपने प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मतलब कि वो किस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण करें। तो आइए देखते हैं कि हर्बर्ट की जो पंचपदी जो प्रणाली है वो कौन कौन सी पंचपदी प्रणाली है और कौन कौन सी पंचपदी प्रणाली में किस तरह से आपको नोट्स के माध्यम से दिया जा सकता है, उसमें क्या है। तो सबसे पहले हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली में सबसे पहला हम क्या करेंगे तो योजना बनाएंगे कि हम किस तरह से कक्षा कक्ष में जाएंगे, अपने बच्चों को हम किस तरह से अपना योजना बनाएंगे, पहले ही कि हम जाएंगे किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे या क्या क्या हम चीज़ें उसमें उपयोग करेंगे, ये सब चीज़ों का हम योजना बनाएंगे सबसे पहले। तो योजना पहला ही पॉइंट आप डालिएगा, हेडिंग पांच प्रकार की पंचपदी प्रणाली होती है, पहला यह है योजना बनाना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पाठ्य वस्तुओं के तथ्यों को शिक्षक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमको टॉपिक पढ़ाना होगा, जो पाठ्य पुस्तक में हमारी जो किताब जो होगी उस पाठ्य पुस्तक में हमें कितना टॉपिक पढ़ाना है या उस पाठ्य पुस्तक को हमें कैसे ख़त्म करना है, उसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे योजना बनाएंगे और एक क्रमबद्ध रूप में बनाएंगे कि किस टॉपिक को हम कैसे पढ़ाएं या किसको पहले पढ़ाएं किसको बाद में पढ़ाएं, ताकि बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आता चला जाए। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इसमें या इस पाठ्य पुस्तक के तथ्यों को शिक्षक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध तरीके से एक रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पता चले अभी हम कुछ और पढ़ा रहे हैं कल कुछ और लगे पढ़ाने, तो इससे बच्चा क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा और समझ नहीं पाएगा। और एक अगर तारतम्यता में अगर एक क्रमबद्ध तरीके से अगर बच्चे को समझाएं उसी पिछले वाले टॉपिक जो भी हम पुराना ज्ञान उनको दिए हैं या पढ़ाए हैं उससे अगर रिलेटेड अगर हो तो बच्चा आसानी से उस चीज़ों को समझ पाता है। इसके पश्चात छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना के द्वारा प्रकरण निकलवाते हैं। कहते क्या है कि प्रस्तावना कब निकलवाया जाता है तो पूर्व ज्ञान, बच्चे को प्रस्तावना तो इसलिए निकलवाया जाता है कि लास्ट में जो भी टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा प्रकरण होता है और उसी प्रकरण के बारे में हम बच्चों को समझाते हैं। और इसको क्या करते हैं तो प्रस्तावना कैसे निकलता है या प्रकरण हमारा जो होता है प्रकरण को हम कैसे निकलवाते हैं तो बच्चे को पूर्व ज्ञान, पहले कौन सा ज्ञान वो जानता है, वो पहले से क्या क्या वो चीज़ें जानता है, इसलिए हम प्रस्तावना निकलवाते हैं। और प्रस्तावना निकलवाने से हमको ये पता चल जाता है कि बच्चे कुछ की चीज़ें उस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। उसके बाद हम आगे प्रकरण जो भी मेरा निकल के आता है उसको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना के द्वारा प्रकरण निकलता है या निकलवाता है एक शिक्षक। और प्रस्तावना के साथ शिक्षक द्वारा, मतलब शिक्षक जो है उद्देश्य कथन बताता है। जब प्रस्तावना जब निकल जाता है तो एक शिक्षक जो होता है वह उद्देश्य कथन निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बल हमारा उद्देश्य मतलब निकल के आया प्रकरण, प्रकरण हमारा क्या निकल के आया, एक मान लीजिए बल टॉपिक निकल के आया, तो हम क्या कहेंगे एक शिक्षक के रूप में कि आज हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी तरह से एक शिक्षक क्या लास्ट में करेगा, शिक्षक उद्देश्य कथन बताता है और इसके बाद पाठ को प्रारंभ करता है। जैसे कि एक मान लीजिए हम एक शिक्षक हैं, हमारा प्रकरण निकल के आ गया बल, तो हम कहेंगे कि आज हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे और बता करके बोल करके फिर हम बल क्या होता है बल के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे समझाएंगे। बल के अलावा मान लीजिए परमाणु की संरचना है या परमाणु ही है या अणु है, ये सब जितने भी टॉपिक हैं ये सब चीज़ों के बारे में वो प्रकरण अपना निकलवा करके और फिर हम ये उद्देश्य कथन बोल करके एक शिक्षक और उसके बाद पढ़ाना शुरू करता था। तो ये आपका कौन सा था, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में सबसे पहली प्रणाली जो थी वो आपका क्या था, योजना, योजना तैयार करना, कैसे योजना बनाई जाती है कैसे योजना को तैयार किया जाता है। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण। जब हम योजना जब अपना तैयार कर लेते हैं, जब प्रकरण अपना निकलवा लेते हैं तो कक्षा कक्षा में मान लीजिए जो भी हमारा उद्देश्य कथन जब निकल जाता है तो प्रस्तुतिकरण कि हम बच्चे के बीच में किस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण करें, किस तरह से कौन सा मॉडल चार्ट ला करके बच्चे को रख दें, किस मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे को समझाएं कि बोर्ड पे ही कोई फिगर बना करके समझाएं कि कोई चार्ट बोर्ड पे घर से ही कोई मॉडल बना करके लेकर आए उसके माध्यम से समझाएं या बोर्ड पे जैसे हम लिखें इस तरह से लिख करके आपको हम समझाएं, या आपका क्या होता है प्रस्तुतिकरण होता है। किस तरह से हम बच्चे के बीच में कक्षा कक्षा के बीच में आप प्रस्तुतिकरण अपना एक शिक्षक कैसे देता है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से पाठ का आरंभ माना जाता है, प्रस्तुतिकरण से ही पाठ का आरंभ माना जाता है कि जो भी आपका टॉपिक निकल के आएगा उसी टॉपिक के बारे में हमको क्या करना होता है प्रस्तुतिकरण अपना देना होता है, उसी टॉपिक के बारे में बताना होता है अच्छे से समझाना होता है अलग अलग माध्यमों से। शिक्षक पाठ का विकास प्रश्नों की सहायता से करता है। पाठ का विकास शिक्षक कैसे करेगा, कुछ टॉपिक मान लीजिए कुछ चीज़ें बताया बच्चों को समझाया, उसके बाद क्या करेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा। और जब कुछ क्वेश्चन उनका जो क्वेश्चन होगा प्रश्न जो होगा एक शिक्षक का जब वो पूछेगा बच्चा जब उसको जो बता देता है तो उसमें बच्चों में क्या होता है एक विकास होता है कि हाँ ये इतने टॉपिक बताया हुआ बच्चे सीख लिए। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एक एक चीज़ आपको नोट्स के माध्यम से हम देते जा रहे हैं। यहाँ से पाठ का आरंभ माना जाता है, शिक्षक पाठ का विकास प्रश्नों की सहायता से करता है।
कैसे करेगा, प्रश्नों की सहायता से करेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ा करके छोड़ दे और पता चले क्वेश्चन पूछा ही नहीं शिक्षक, तो उसमें होगा क्या, बच्चा पता चले कि वो एक शिक्षक जान ही नहीं पाएगा कि बच्चे को कितना ज्ञान हो पाया है कि बच्चा ज्ञान नहीं अर्जित कर पाया है। तो वही चीज़ आगे देखिए क्या है, आवश्यकता के लिए चित्र तथा उपकरणों का प्रयोग करके पाठ का प्रस्तुतिकरण करता। आपको हम पहले बता दिए कि प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम अब स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएंगे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाएंगे कि बोर्ड पे ही कोई फिगर बना दें उसके माध्यम से समझाएंगे, या जैसे हम आपको मान लीजिए लिखने के हैं तो हम आपको लिख दिए हैं, नोट्स दे दिए हैं, इसके माध्यम से समझाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर आवश्यकता अगर हमको पड़ती है तो हम चित्र भी बनाएंगे, कोई उपकरण लेकर के आएंगे, प्रोजेक्टर लेकर के आएंगे, स्लाइड लेकर के आएंगे, आपको हर एक माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक जो होता है बच्चों को समझाने का अपना पूर्ण मतलब प्रयास करता है कि बच्चा अधिक से अधिक ऐसा क्या क्या हम लेकर के आए जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो ये आपका क्या हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ कि एक शिक्षक कैसे अपना प्रस्तुतिकरण कक्षा कक्ष में देता है या करता है। तीसरा इनका देखिए हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली में तीसरी प्रणाली क्या होता है, उसका स्पष्टीकरण, जो प्रस्तुतिकरण जो किया है उसका स्पष्टीकरण वो कैसे देता है। तो ध्यान दीजिए, इस पद में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने तथ्यों का मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करता है, जो भी टॉपिक उनका रहेगा उसका स्पष्टीकरण देता है कि स्पष्टीकरण देता है कि ये चीज़ कैसे आई है या ये चीज़ क्या होती है। तो उसका क्या करते हैं, या तो मौखिक रूप से करेगा, मतलब सामने मौखिक रूप से मतलब बोल करके, ये समझ लीजिए कि हम एक फिगर बना दिए, जब फिगर बना दिए तो उस फिगर तो आपको मतलब प्रस्तुतिकरण हम आपको दिखा दिए प्रस्तुतिकरण, लेकिन उसको स्पष्टीकरण आपको हम बताएंगे कि इस पेड़ में देखिए यहाँ तना है, यहाँ जड़ है, सब कुछ, ये सब क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को मान लिया है तो उसका हम बता करके अपने मौखिक माध्यम से अपने मुख के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चा और भी ज़्यादा उसको समझने का प्रयास करता है कि वह यह जाँच करे कि जो नया ज्ञान छात्रों को दिया गया है वह कितना सफल हो पाया है। स्पष्टीकरण जब देगा तभी तो बच्चा उसको समझ पाएगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं है। ये आपका क्या था, तीसरा पॉइंट स्पष्टीकरण। चौथा पॉइंट क्या है, सामान्यीकरण। चौथा पॉइंट क्या है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण देखिए क्या है, किसी पाठ को पढ़ाने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। कहने का मतलब कि जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में जब कुछ भी पढ़ाया उसको पढ़ाने के बाद उस कक्षा कक्ष का निष्कर्ष क्या निकल के आया, बच्चा कुछ पढ़ाया हुआ ज्ञान को सीख पाया कि नहीं सीख पाया, वो आपका कुछ न कुछ उससे निष्कर्ष निकल के आता है। तो वही निकाला जाता है, इन निष्कर्षों के आधार पर ही कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं, सामान्यीकरण कहलाते हैं, कि जब कक्षा कक्ष में पढ़ाया गया तो उसका जो कुछ भी निष्कर्ष निकल के आएगा वही क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, प्रयोग। लास्ट में क्या हुआ, प्रयोग। क्योंकि जब हम योजना बना लिए, योजना बना करके प्रस्तुतिकरण बच्चों के कक्षा कक्ष में दिखा दिए, उसके बाद उस प्रस्तुतिकरण का हम स्पष्टीकरण भी जब दे दिए, उसके बाद फिर एक लास्ट पॉइंट मतलब एक पॉइंट आता है सामान्यीकरण। और जब हम सामान्यीकरण भी जब कर लिए कि कुछ निष्कर्ष उसका उस कक्षा कक्ष का या पढ़ाए हुए ज्ञान का कुछ निष्कर्ष जब निकल करके जब चला आया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कि ये प्रयोग क्या होता है। इसको देखिए, ये सबसे लास्ट पंचपदी प्रणाली का सबसे लास्ट प्रणाली होती है। हर्बर्ट के आयाम में इस पद का बहुत ही महत्व है। कहने का मतलब समझिए कि इस पद में विद्यार्थियों को प्रदान किए गए ज्ञान अस्थायी बनाने का अवसर मिलता है, कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है प्रयोग के माध्यम से जब उसको हम सिखा देते हैं तो वो बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी ज्ञान हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर आपको बैक्टीरिया जैसे मान लीजिए दिखाना है, दही आप मान लीजिए खाते होंगे, जब दही आप घरों में खाते होंगे और उस दही को अगर आपको दिखाना हो तो आप सब लोग कहते तो हैं कि नहीं दही में कीटाणु पाए जाते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेकिन बच्चा क्या समझता है, नहीं हमें तो दिखाई नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है कि बैक्टीरिया उसमें है कि नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को हम लैब में ले जा करके प्रयोग के माध्यम से माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसमें बैक्टीरिया जब दिखा देंगे और जब बच्चा बड़ा बड़ा जो बैक्टीरिया देख लेगा तो वो कभी दही ही नहीं खाता है, कहेगा कि इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं और हम दही को खाते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है, प्रयोग होता है। जब किसी भी टॉपिक किसी भी चीज़ को किसी भी मतलब आपका जो भी है आपका टॉपिक उसके बारे में जब आपको प्रयोग के माध्यम से जब सिखा दिया जाता है तो बच्चे का कभी दही अगर आपको बैक्टीरिया उसमें दिखा दिया तो आप कभी दही नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको अस्थाई ज्ञान हो गया कि नहीं हाँ दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यही चीज आपका है कि हर्बर्ट के आयाम में इस पद का बहुत ही महत्व है। इस पद में विद्यार्थियों को प्रदान किए गए ज्ञान अस्थाई बनाने का अवसर मिलता है कि वो बच्चा कैसे अस्थाई बनाएगा किसी भी चीज को जब प्रयोग करा दिया जाता है, एक शिक्षक जब करा देता है। तो सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने से ही ज्ञान अस्थाई हो सकता है। जो कुछ भी वो सीखा है उसको नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ेगा, कैसे उसको बनाएगा,
उसमें क्या होता है, उसका अस्थायी ज्ञान होता है, हो सकता है इसीलिए प्रयोग के अधिक महत्व दिए जाते हैं कि बच्चा के हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बच्चों को क्या कहा जाए कि चल करके कुतुब मीनार देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, तो जब बच्चे को आप ताजमहल स्पष्ट रूप से दिखा देंगे, वहाँ बच्चे को ले जाएंगे, वहाँ पर दिखा देंगे, तो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेगा कि नहीं हाँ ताजमहल ऐसा है, उसका फिगर वो कभी नहीं भूलेगा। उसका कहीं आप घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कहीं विद्यालय लेकर के जाते हैं, विद्यालय में जैसे पर डे वो जाता है, क्या वो कभी विद्यालय भूल पाएगा? कभी नहीं। अपनी लाइफ में जब भी वो जाएगा उस जगह से, वो दिखेगा कि नहीं वहाँ से भले वो छोटे में था, कक्षा कक्ष में गया, स्कूल विद्यालय में गया, पढ़ा, वहाँ से चला आया, लेकिन बाद में भी उस रास्ते से जब भी गुजरता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरा विद्यालय यही था, हम बचपन में यही इसी विद्यालय में पढ़े थे। तो वो चीज़ें उसका क्या हो जाता है, अस्थायी ज्ञान हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। तो ये आपका हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, पाँच प्रकार की प्रणालियाँ हैं। पहला योजना बनाना, दूसरा प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा स्पष्टीकरण करना, चौथा सामान्यकरण करना, और पाँचवा प्रयोग करना लास्ट में, कि प्रयोग के माध्यम से बच्चे का अस्थायी ज्ञान कराया जाता है। इसका एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो हम लोग जो है आज हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली अध्ययन किए। इसके पहले आप जाकर के वीडियो में देखिएगा कि दो प्रणालियां और पढ़ाई गई हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है कि ब्लूम की प्रणाली क्या होती है, और एक RCEM। देखिए उस वीडियो में थोड़ा सा, और आज भी होता क्या आपको सुनने में आता होगा RCEM हमेशा उस वीडियो में हो गया है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। वो है क्या RCEM है, तो ई क्या होता है, साइलेंटली लगभग लगभग वो तब जाता है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, तो वो RCEM को जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। और ये आज आपका हर्बर्ट, और इसके अगले वीडियो में आपको NCERT उपागम क्या होता है, NCERT की प्रणाली क्या होती है, या NCERT जो होता है, NCERT के माध्यम से हम कैसे पाठ्य योजना तैयार करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर जितने भी नए लोग हों वो चैनल को बार बार हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि उससे होता क्या है कि जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आज का तो वीडियो आप देख पाएंगे, आज बीएड में अगर आप होंगे तो आज का वीडियो देख पाएंगे, लेकिन अब अगला जो वीडियो आएगा उसको आप नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करिए, और अपने लाभान्वित अगर आप हो रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं हम ही बस ज्ञान को अर्जित कर पाएं, आप दूसरे को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हो ही, आपके साथ साथ और लोग भी लाभान्वित हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद।